मुख्यमंत्री जी, एक नजर बहराइच जिले के तहसील कैसरगंज राजस्व अधिकारी कर्मचारी की तरफ। जैसे लग रहा है देवरिया जैसी हत्याकांड का रास्ता देख रहे हैं। तहसील क्षेत्र कैसरगंज के ग्राम पंचायत पचंभा निवासी रामपाल सुरक्षा गार्ड पंकज दीक्षित एसडीएम कैसरगंज रामपाल ने बताया कि गाटा संख्या नंबर 215 व 212 स्थित ग्राम पचंभा परगना हिसामपुर तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच, जिसका प्रार्थी अभिलिखित साख खातेदार है, जिसकी मेट के विवाद था, जो कि निस्तारण हेतु निशानदेही के लिए राजस्व निरीक्षक वाहिद कमल तथा लेखपाल पवन कुमार चौहान ने प्रार्थी से पैमाइश के लिए 3600 व 5000 रुपए ले लिया, किंतु आज तक निशानदेही नहीं दिया है। निरंतर हीला हवाली कर रहे हैं। पैसे वापस मांगने पर ये लोग धमकी देते हैं कि चाहे जहां शिकायत करोगे ना तो मैं पैसा वापस दूंगा, ना ही निशानदेही का पैमाइश करूंगा। इस संबंध में रामपाल होमगार्ड ने जिले के अधिकारी तथा मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायत किया है। मेरा पैसा वापस दिलाया जाए, पैमाइश ना किए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। पैमाइश के संबंध में जब मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता ने वाहिद कमल कांगो से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैमाइश करने के बाद एसडीएम कोर्ट पर आख्या प्रस्तुत कर दिया गया है। एसडीएम के आदेश के बाद पैमाइश करके कब्जा दिलाया जाएगा। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगीराज में जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं या फिर ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मैं ग्राम पचंभा का निवासी हूँ, तहसील कैसरगंज थाना जिला बहराइच के निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है, मेरा गाटा संख्या 215 और 212 दबंग लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया रखा है। मैंने नाप के लिए लेखपाल कानूनगो को लेखपाल को लिया था 5000 रुपये, कानून लिए थे 3600 रुपये, लेकिन नाप कह देंगे हमारे उनसे लड़ाई करने का बस की बात नहीं है जी। मैं उसे लड़ नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं इस न्याय के लिए मैंने पैसा दिया था कि नाप देंगे। आप क्या हैं? हम हैं इस समय होमगार्ड हैं, इस दिन कैसे थे हम राह चल रहे हैं, इस समय चल रहे हैं। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ की? शिकायत मैंने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को ऑनलाइन दिया जी। उसके बाद में 1076 में मिलाया जी। उसके बाद में तहसीलदार को, जो तहसीलदार ने कहा मुझे शपथ पत्र दीजिए, मैंने उनको शपथ पत्र भी दे दिया जी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, फिर मैंने 1076 में मिलाया, 181 लखनऊ मिलाया, जिसने कहा थाने एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ सुनवाई होगी जी। थाने में एप्लीकेशन दिया तहसील दिवस में, जिसको ब्रह्मचंद यादव ने ले लिया। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया। और लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले। आपके पैमाइश होना चाहिए और पैसा वापस होना चाहिए, लेखपाल हो चाहे कानून को हो जी। सर और कितने दिन आप हुए पैसा दिया? 5 महीना पैसा दे होगा बराबर। वो लोग कहते हैं मैं कानून को हूँ, मैं लेखपाल हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और बाकी जो भूमि माफिया जमीन कब्जा किए हैं उनसे बाजने नहीं है, उनसे अगर बाजेंगे तो चोट लग जाएगी। यानी कि आप होमगार्ड भी हैं जी, उसके बाद भी जो है योगी राज में कार्य नहीं हो रहा जी? कार्य नहीं हो रहा। धन्यवाद। पेमेंट नहीं हो सकती ना, अगर अभी तो बहुत बड़ा बैठ हो जाएगा। मुझे लोग जान से मारने की धमकी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, जमीन नहीं देंगे।